बच्चों आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किस तरह से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्रॉफिट का ही होता है। प्रॉफिट जितनी अधिक मात्रा में बढ़ता जाएगा गुडविल की कैलकुलेशन में, गुडविल भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए हमारे पास TS ग्रेवाल की बुक है वॉल्यूम फर्स्ट, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है बताना कि गुडविल की कैलकुलेशन हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये हमारा चैप्टर है। इसको हम पहला मेथड में बता रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड दो भागों में बटा होता है। इसका पहला पार्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा भाग है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें से हम सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट को पढ़ेंगे। TS ग्रेवाल की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है, इसमें आप लोग देखेंगे अगर अपनी बुक में मिलान करेंगे मैचिंग करेंगे तो यहाँ पर है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years एंडिंग 31st March ऑफ द फर्म। 2015 में है प्रॉफिट 12,000 का, और 16 में है 18,000 का, फिर उसके बाद 16,000 और 14,000, इस तरह से 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि हमारे पास जितना प्रॉफिट दिया होगा उसको हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल करके जितने ईयर आप परचेज दिया होगा, 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, जितने ईयर परचेज होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट का। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास जितना प्रॉफिट दिया हुआ है उसका हम टोटल करेंगे। 4 साल का प्रॉफिट है, 4 साल का प्रॉफिट है 4 से डिवाइड करिए, 3 साल का प्रॉफिट है 3 से डिवाइड करिए, 5 ईयर्स का प्रॉफिट है 5 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 साल का प्रॉफिट 12,000, 18,000 और 16,000 और 14,000। 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, इन सब का टोटल आता है 60,000। 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे 15,000। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बोला गया है 3 ईयर्स परचेज, मैंने कहा था जितने ईयर परचेज होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। गुडविल इक्वल टू 15,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, हमारा गुडविल आ गया 45,000। यह हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट में जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है उसका हमारा जो क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नोट कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। इसके बाद हम इस एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक और प्रॉब्लम लेंगे, क्वेश्चन नंबर TS ग्रेवाल की बुक का ही है क्वेश्चन नंबर 5। आप मिलान करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरीके का प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन दिया होगा। वो फ्लक्चुएशन क्या है उसको हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से।
उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूं आप लोगों को। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए पार्टनर फ्रॉम 1st अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल बी गिवन टू 5th शेयर ऑफ द प्रॉफिट। सी को एडमिट कर रहे हैं। ए और बी दो प्रकार के पार्टनर हैं, जिसे हम ओल्ड पार्टनर बोलते हैं। न्यू पार्टनर उनका सी है जो बिजनेस में एंट्री मारेगा और वो 2/5 यानी 2.5 के लिए हिस्सेदार बनेगा। गुडविल पूरे फर्म की जो वैल्यू होगी उन्होंने इसमें भी बोला गया है 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी 3 साल के प्रॉफिट का हम एवरेज लेंगे, उसका 2 year परचेज यानी दोगुना करेंगे। प्रॉफिट 3 साल का है, लेकिन पहले वाले सवाल में जो प्रॉफिट था उसमें किसी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं था, लेकिन इस वाले प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन क्या है, उस फ्लक्चुएशन को अभी हम देखते हैं कि क्या उतार चढ़ाव हुआ है उसमें। 2000 हमारे सामने जो प्रॉफिट है, 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है बुक में, 2018, 2017, 2016 3 साल का प्रॉफिट है। 30, 80, 110 30,000 ये प्रॉफिट है, 80,000 ये लॉस है, इसको हमने माइनस में लिखा है, ये 1,10,000 है। इस तरीके से हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दोनों अवेलेबल है। सवाल पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2018 को अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें लिखा है प्रॉफिट 30,000, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर रुपीज 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि लॉस बाय फायर जो हुआ है वो बिजनेस की सामान्य प्रक्रिया में नहीं आता, दैट इज नॉट कॉल्ड नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ फर्म। फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर हम इसको नॉर्मल एक्टिविटी नहीं मान सकते, लॉस अचानक हुआ है। बिजनेस की एक्टिविटी के प्रॉफिट को हमें यहाँ जोड़ना होगा, लेकिन अगर बिजनेस की एक्टिविटी के प्रॉफिट में अगर एबनॉर्मल एक्टिविटी का लॉस या प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। अगर लॉस है तो उसको यहाँ पर प्लस करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में 2018 में इन्होंने स्टॉक से लॉस हुआ है, स्टॉक से जो लॉस हुआ है वो 40,000 का है जो अचानक हुआ है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में कमी आ गई और इनका प्रॉफिट हो गया 30,000 का। हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को 30,000 को 40,000 से बढ़ा देंगे यानी प्लस कर देंगे और हमारा प्रॉफिट सही सलामत बिजनेस का प्रॉफिट जो है एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट 70,000 रहेगा। इसका मतलब है 70,000 का एक्चुअल में इनको प्रॉफिट हुआ था, जिसमें लॉस हुआ था स्टॉक का, जिसकी वजह से इन्होंने 30,000 प्रॉफिट कर दिया था, लेकिन हमें एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए इसलिए हम 40,000 जो लॉस हो गया था उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये ऑलरेडी लॉस बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है 2017 में 80,000 का लॉस हुआ था। क्वेश्चन बोला गया आफ्टर यहाँ पर है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 रुपए का इन्होंने इस साल वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन किसी व्यक्ति को कंपनसेशन का भुगतान इस फर्म ने अचानक किया, जिसकी वजह से इनको 80,000 का लॉस हो गया। इसका मतलब इस फर्म को बिजनेस में प्रॉफिट कुछ और हुआ होगा, जिसकी वजह से 1,10,000 का पेमेंट करने के बाद इनको 80,000 के लॉस का सामना करना पड़ा। हम क्या करेंगे, जो उन्होंने कंपनसेशन का पेमेंट किया था पेड किया था उसको हम यहाँ प्लस कर देंगे तो हम बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। ये प्लस किया और ये ऑलरेडी लॉस है तो प्लस के 30,000 आएंगे। इसका मतलब बिजनेस में इतने का प्रॉफिट हुआ था, इसका पेमेंट किया इन्होंने, जिसकी वजह से इनको लॉस का सामना करना पड़ गया। 1,10,000 ये अचानक पेमेंट करना पड़ा इनको कंपनसेशन का, तो ये 80,000 का इन्हें लॉस हो गया था। अब फार्मूला हमारे दिमाग में आ चुका है, क्या अगर कभी लॉस इंक्लूड है उसे प्लस करेंगे, अगर प्रॉफिट इंक्लूड है तो उसको माइनस करेंगे। अगले साल देखेंगे, नेक्स्ट ईयर में हमारे पास है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 30,000 का। इस साल प्रॉफिट हुआ फिक्स एसेट्स को बेचकर, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग ये सब फिक्स एसेट्स होती हैं, इनको बेचने के बाद
इनको बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, अब वो प्रॉफिट उन्होंने इस साल के प्रॉफिट में जोड़ दिया। इसका मतलब है बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और था जिसमें एसेट्स के सेल का प्रॉफिट उन्होंने जोड़ा तो इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। कितने रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है उन्होंने, 30,000 का, हम माइनस करेंगे। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो बिजनेस से रिलेटेड है वो आ जाएगा 80,000 का। टोटल बिजनेस का प्रॉफिट हो जाएगा 180,000 का। इस प्रकार से जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 180,000 से डिवाइड करेंगे, 180,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 साल के प्रॉफिट की है। एवरेज प्रॉफिट 180,000 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया, 60,000। 60,000 हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू क्या होगा, गुडविल के लिए बोला गया है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर यानी 60,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और हम पाएंगे 120,000 का गुडविल। ये हमारा आंसर आया, करेक्ट। बच्चों अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, अगर मुझे और सुधार करने की आवश्यकता होगी तो मैं और अच्छा प्रभावशाली और इफेक्टिव वीडियो बनाऊंगा। मैंने सिर्फ इस मेथड के बारे में 2 प्रकार के सवाल दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, एक तो सिंपल था वो मैंने बता दिया, एक फ्लक्चुएटेड था जिसमें प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करना पड़ गया था हमको, हमने वो बताया था। अगर अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जितना अच्छा मुझसे होगा मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा और प्रॉब्लम डी एस गेवाल की बुक का और भी आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।